गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ मैथ। डियर लर्नर, वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर थ्री, डाटा हैंडलिंग। आंकड़ों का प्रबंधन हम लोग पढ़ रहे थे, डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग पेज नंबर 64 पर पढ़ेंगे मोड। मोड मीन्स होता है बहुलक। बहुलक जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बहुलक होता क्या है, तो द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोर ऑफन। तो बहुलक एक ऐसा ऑब्जर्व जो डाटा दिया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, उसमें अकर्स मोस्ट ऑफन, जो सबसे अधिक बार आया है। तो बहुलक क्या होता है, जो दिए गए आंकड़ों में से, दिए गए डाटा में से सबसे अधिक बार आया है, वही बहुलक होता है। जैसे देखिए, एग्जांपल दिया गया है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर। तो जैसे 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4, ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, जैसे 1 1 2 2 2 2 3 4। तो आप देखिए, अभी हमने ये सीखा है कि मोड कोई भी जो ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें जो सबसे अधिक बार आता है, वही क्या कहलाता है, मोड कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो अब जैसे जो ये आंकड़े हैं, 1 1 3 बार आया है, तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया है, और 4 2 बार आया है। तो सबसे अधिक बार नंबर कौन सा आया है, तो सबसे अधिक बार नंबर 2 आया है, इसलिए हम कहेंगे कि 2 ही क्या है, मोड है, 2 बहुलक है। मोड ऑफ दिस डाटा 2 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, इसमें सबसे अधिक बार 2 आया है, इसलिए 2 ही इस ये डाटा का मोड होगा, बहुलक होगा। तो जैसे आगे हम लोग देखते हैं, मोड के बाद मीडियन क्या होता है। मीडियन जैसे देखो, मीडियन में दिया गया है कि दस द गिवन डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन गिव्स द मिडिल ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या होता है, मिडिल ऑब्जर्वेशन, जो सबसे बीच में होता है। जैसे देखिए, मीडियन ये देखिए, अगर हम इस आंकड़े में देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, तो इसका मतलब कि 8 2 16, तो 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, जो 9 पर होगा जो ऑब्जर्वेशन, वही उसका क्या होगा, मीडियन होगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पर कौन सा नंबर है, 115, तो 115 इस ऑब्जर्वेशन का क्या है, मीडियन है। तो अब जैसे हम लोग एक्सरसाइज में, आप देखिए, जितना ही एक्सरसाइज आप करेंगे, उतना ही आपको मोड और मीडियन समझने में मदद मिलेगी। जैसे दिया गया है एक्सरसाइज 3.2 में, द स्कोर इज मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25। तो मैथमेटिक्स में टेस्ट हुआ, वो 25 मार्क्स का था, ऑफ 15 स्टूडेंट्स एज फॉलोस। तो जो मैथमेटिक्स का टेस्ट है, इसमें 15 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने जो नंबर पाए हैं वो दिया गया है, तो 19 25 23 29 20 15 10 5 16 25 20 24 12 और 20। तो कह रहा, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दे सेम। तो सबसे पहले आप मोड और मीडियन निकालिए, फिर वो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, क्या दोनों सेम हैं। तो इस डाटा का सबसे पहले देखिए, एक्सरसाइज 3.2 में हम क्या करेंगे, जो डाटा दिए गए हैं, जैसे ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, 19
25, 23, 20, फिर 9, फिर 20, फिर 15 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 20 है, फिर 24 है, फिर 12 है, फिर 20 है। जैसे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, सबसे कम नंबर क्या है, 9 है। तो 9, जैसे ये ऑब्जर्वेशन कितना है, ये 15 का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, देख लेंगे कोई नंबर ऐसा ऑब्जर्वेशन छूटा तो नहीं है। तो सबसे पहले 9 है, 9 के बाद 9 कितनी बार आया है, देखिए 9 वन बार आया है, तो फिर 9 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 10 आया है तो 10 लिखेंगे। फिर 11, 10 कितनी बार आया है, 10 कितने बच्चों ने पाया है, तो 10 भी केवल एक ही बच्चे ने पाया है। फिर 11 का देखेंगे, 11 है नहीं, 12 है, तो 12 का है, तो 12 कितने बच्चे पाए हैं, एक बच्चा है। फिर 13 नहीं है। और 14 का, 14 कोई बच्चा पाया, 14 भी नहीं पाया है। 15 का, 15 देखिए, 15 एक बार यहाँ आया है, फिर 15 नहीं है। फिर 16 का देखेंगे, 16 एक स्टूडेंट है जो 16 पाया है। 17 का, 17 कोई नहीं है। 18 कितने लोग हैं, 18 कोई नहीं है। फिर 19 है, 19 कितने लोग हैं, 19 भी एक ही लोग हैं। 20 कितने लोग पाए हैं, 20 में 20 एक, ये 20 है, दो, टू, फिर 3, 4, 4 टाइम 20 है, 2, 3, 4, 4 टाइम 20 आपने लिख दिया। फिर 21 है, 21 नहीं है। 22 कोई है, 22 भी नहीं पाया है। 23 का, 23 वन, 23 भी एक ही लोग हैं। और 24 कोई नहीं है। और 25 में देखिए, एक ये है 25 और एक ये है, दो लोग 25 हैं, 25 ये 15 स्टूडेंट का है। आप देख लीजिए कि ये 15 स्टूडेंट का हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसका मतलब कोई डाटा छूट गया है। तो 15 डाटा होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, देखिए 24 इसमें छूट गया है। तो 23 के बाद क्या हम लिखेंगे, 24 कितनी बार आया है, 24 केवल वन टाइम्स आया है। फिर क्या है, 25 है, फिर 25। अब कितने डाटा हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अभी भी एक छूटा हुआ है, कोई एक नंबर 20। तो 4 टाइम्स तो 20 है, 1, 2, 3, 4 टाइम 20 है, तो 1, 2, 3, 4 टाइम 20 हो गया। जैसे 9, ये 9 हो गया। फिर 10 हमने लिख दिया। फिर 11 है नहीं, 12 हमने लिखा। फिर 14 है, 14 तो नहीं है, 15 है, तो हमने 15 लिख दिया। 15 एक बार आया है,
देखिए फाइव एक डाटा क्या है, फाइव छूट गया है तो हमने एक डाटा ये फाइव लिख दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डाटा हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ये हमने क्या लिख दिया, ये सबसे पहले इसको क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिख दीजिए असेंडिंग ऑर्डर ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है इसको डाटा को। फिर अब हमको जैसे मोड बताना है तो मोड क्या होगा, मोड ऐसा नंबर होगा जो सबसे ज़्यादा टाइम में आया है। देखिए फाइव एक ही बार आया है, 9 10 11 है नहीं, 15 16 19 20 कितनी बार आया है, देखिए 1 2 3 फोर टाइम 20 आया है, तो 20 इसका क्या होगा, मोड होगा। मोड इज इक्वल टू कितना है, 20। और ये मीडियन क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे देखिए ये 15 स्टूडेंट हैं तो फिर इसको 7 तो 8 पर, जैसे 8 बीच का कौन होगा जो 8 पर आएगा, 7 लेफ्ट हो जाएंगे 7 राइट हो जाएंगे और बीच का एक नंबर वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला नंबर, 8 वाला नंबर क्या है, तो 8 वाला नंबर मीडियन होगा 20। तो देखिए 7 20 के इधर हो गए, 7 इस 20 के लेफ्ट और 7 डाटा जो है 20 के राइट हो गए, लेफ्ट और राइट 7 डाटा हो गए और ये 20 मिडिल में हो गया, तो मीडियन क्या होगा, 20 होगा। तो पूछ रहा है इसमें आर दे सेम, तो लिखेंगे यस। तो मोड और मीडियन दोनों क्या हो गए, 20 हो गए। तो एक्सरसाइज 3.2 आप सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जितना मैक्सिमम आप इसमें इस एक्सरसाइज 3.2 में मैक्सिमम सवाल आप लगा सकते हैं आप लगाएंगे, मोड मीडियन यही सब निकालना है, आप निकाल करके अपने से चेक करेंगे कि आप कितने सवाल कर पाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।